क्या आपके मन में ये सवाल आता है कि मैं अपनी मनपसंद की चीजें कैसे पाऊं, कैसे मेरे को मेरा मनपसंद का परिणाम मिलेगा, मैं अपनी लाइफ में जो चाहूं वो हासिल करूं, मैं कैसा क्या करना चाहिए जिससे कि मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल सफलता हासिल कर पाऊं, ऐसा क्या करूं जिससे मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाए। अगर आपको भी अपनी लाइफ में सफलता हासिल करनी है और आपको वो परिणाम चाहिए जो आप कल्पना करते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपको आपकी मनपसंद का परिणाम कैसे मिले। तो मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार राय और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जरा सोचिए, आप किसी चीज को चाहे और वो आपको मिल जाए तो कैसा होगा, कैसा फील होगा हमारी लाइफ में, कैसा हम फील करेंगे। जब आप रचनात्मक रूप से अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हैं ना, तो ये आपको वो दिलाती है जो आप चाहते हैं, और यही आपको मार्गदर्शन भी कराती है कि आप किस रास्ते पे जाएं जिससे कि आपकी मंजिल आपको मिल पाए। किसी भी असफलता का मुख्य कारण होता है ज्यादा सोचना, काम ना करना और ज्यादा प्रयत्न करना। क्योंकि एक कहावत है ना, अति का फलाना बोलना, अति की भरी न चुप, अति का फलाना बरसना और अति की भरी न धूप। मतलब कोई भी चीज का, किसी भी चीज का अगर अति होगा तो उसका अंत निश्चित है। इसलिए आपको अति नहीं करना है, प्रयास करो लेकिन इतना ज्यादा मत करो कि आप उसी में मग्न हो जाओ और दुनिया की सारी चीजों को भूल जाओ, अपने सारे रिलेशन रिश्ते नाते तोड़ दो और फिर आपको एक समय के बाद में पछतावा के अलावा और कुछ भी ना मिले। क्योंकि आपको अपनी असफलता पे काबू पाने का एकमात्र तरीका है कि अपने अवचेतन को यह विश्वास दिलाएं जो भी आपने कल्पना की हुई है, यानी जो आपके आंतरिक इच्छा है, जिसको भी पाने की आपकी इच्छा है, उस कल्पना को आप हकीकत में मान लीजिए कि ये मेरे पास में अभी फिलहाल में अवेलेबल है, मैं इसको जी रहा हूं। और अगर आपने उस चीज को, उस कल्पना को हकीकत में मान लिया है ना, तो वो आपको सफलता का राज बनाएगा और वही सफलता का राज आपको सफल बनाएगा। क्योंकि आपका अवचेतन मन जोर जबरदस्ती से नहीं चलता है, आपका अवचेतन सिर्फ और सिर्फ आपकी विश्वास और आपकी चेतना शक्ति के ऊपर में निर्भर करता है। आप कैसा विश्वास करते हैं, आपकी चेतना शक्ति कितनी ज्यादा सोच सकती है, उसके ऊपर में हमारा अवचेतन माइंड जो होता है, वो अवचेतन मन हमारा डिसीजन लेता है और उसी पे काम करना स्टार्ट करता है। जरा सोचिए, आप किसी भी टैक्सी में बैठे हुए हैं और टैक्सी में बैठ के एक टैक्सी ड्राइवर को 5 मिनट के अंदर अंदर में उसको आधा दर्जन लगभग रास्ते आप बता रहे हैं कि इस रास्ते से चलो, इस रास्ते से चलो, और अगर आपने 6 रास्ते 5 मिनट में बता दिए हैं, तो वो क्या वो टैक्सी वाला कंफ्यूज नहीं होगा? और अगर वो टैक्सी वाला कंफ्यूज होगा तो या तो वो टैक्सी वाला वहां पर जाने से मना कर देगा, या तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा और वो आपको रास्ते रास्ते घुमाते रहेगा। आपको जिस समय पे उस निश्चित स्थल पे पहुंचना है, उस समय पे आप नहीं पहुंच पाते हो। सेम इसी प्रकार से आपका मस्तिष्क भी है। आपका मस्तिष्क यानी आपका दिमाग को अगर आप हर दिन हर समय आप प्रोग्राम करते रहोगे कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए और मेरे को ये चाहिए, तो आपका दिमाग भी ना कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इसको चाहिए तो चाहिए क्या। वो एक कहावत है ना कि आपको जाना कहां है आपको पता ही नहीं है, तो आप जाओगे कहां? जिसके बारे में आपके मन में क्लियर रास्ते ही नहीं है, वो आप मंजिल पा ही नहीं सकते हो, आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हो जिसके बारे में आपको क्लियरिटी नहीं है कि मेरे को जाना कहां है, मैं पहुंचने कहां वाला हूं और मेरी सफलता किस सीमा पे है। अगर आपको यह पता नहीं होगा तो आप
दावा है कि आप अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए अपना एक गोल चुने और उसी गोल पे काम करें, क्योंकि आप जितना उस गोल के लिए डेडिकेटेड होंगे ना, उतना ही आपको आपका दिमाग, उतना ही आपको आपकी लाइफ में सफलता मिलने जाती है। दोस्तों बाइबिल के अनुसार किसी भी चीज को आप विश्वास के साथ प्रार्थना से मांगेंगे तो विश्वास रखिए कि आपको वो चीज जरूर मिलेगी, बशर्ते कि आपको अपने मन में, आपके अवचेतन मन में वो बैठा दे रहा है कि मेरे को यही चाहिए, और वो जो लक्ष्य होना चाहिए ना वो बिल्कुल अड़िग होना चाहिए, यानी कि आपका लक्ष्य समय समय पे बदलना नहीं चाहिए। अगर आपने किसी भी एक लक्ष्य को लिया है तो उस पर आप काम करें, उसके लिए पाथवे तैयार करें और आप उस पर चले, तभी जाके आपका और चेतन मन आपके लिए मन पसंद परिणाम लेके आएगा। प्रार्थना से अपने परिणाम पाने का तीन चरण होता है। पहला है अपनी समस्या पर नजर डालें, जो आपकी समस्या है उस पर आप प्रकाश डालें कि मेरी समस्या क्या है। उस दूसरा जो है उस हल की ओर जाएं, अथवा उससे बाहर निकालने के लिए रास्ते का खोज करें जो कि आपके अवचेतन मस्तिष्क में पहले से ही प्रोग्राम्ड है, बस जरूरत है तो आपके अवचेतन मन को स्टार्ट करने का, तैयार करने का और उससे काम लेने का। तीसरा और फाइनल पॉइंट है, वो है जो भी आप पाना चाहते हैं उसके होने का गहरा विश्वास करें और ये आप फील करें कि मेरे को जो चीज चाहिए है वो अभी मेरे को मिल चुका है। यही तीन जो मंत्र है इसके ऊपर में हमारी पूरी मनपसंद परिणाम छिपी हुई है, और इसी को अगर हम पालन करते हैं ना तो हमारा मनपसंद परिणाम जरूर मिलता है।